previous class mein the latter had to cover up kiya tha. So aaj we are going to cover up page numbers. Uske baad fir hum aage further for next to be cover up karenge. So page number used to add numbers in your document. Simple way hai agar aap koi kaam kar rahe hain aur aap usme apne page number ko add karna chahte hain kya randomly agar aapne apply karna hai to fir aapko one by one करना पड़ेगा. अगर रैंडम चले तो डायरेक्टली आप पेज नंबर पर जाएं और क्लैरिटी आप वहाँ पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके और डॉक्यूमेंट में पेज नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे. सो आई एम टेक सम टेक्स्ट हियर ताकि मैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की लेंथ को बढ़ा सकूँ. सो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया और यहाँ पर ऐड करने के बाद मैं आप यहाँ से पेज नंबर पर अप्लाई करूँ. वेयर आई रिक्वायर अ पेज नंबर आपकी मर्जी है. आपको टॉप ऑफ द पेज चाहिए है, बॉटम ऑफ द पेज चाहिए है, या पेज नंबर पेज मार्जिन के साथ चाहिए, या करंट पोजीशन पर चाहिए जहां पर अभी आपका पेज स्टार्ट हुआ है. सबसे पहला काम इफ आई क्लिक ऑन द टॉप ऑफ द पेज तो याद रखिएगा कि अगर आपने हेडर अप्लाई किया हुआ है जो मेरी प्रीवियस क्लास के अंदर हेडर अप्लाई हुआ हुआ था अगर आपने वो किया हुआ है तो फिर आप अवॉइड करें टॉप ऑफ पेज पर जाने से. और अगर आपने फुटर अप्लाई किया हुआ है तो एज लाइक दैट आप अप्लाई करें अवॉइड करें बॉटम ऑफ द पेज पर अप्लाई करने से पेज दो. ठीक है जी. हाँ अगर इफ यू अप्लाई ऑन अ पेज मार्जिन तो आप बिल्कुल मार्जिन के साथ पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. इससे क्या होगा बैटर वे में क्या आपके हेडर पे भी अप्लाई नहीं होगा आपके फुटर पे भी अप्लाई नहीं होगा. सो क्लिक ऑन पेज नंबर अगर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में कई बार भी हेडर फुटर मैंने गिवन नहीं किया हुआ तो मैं सिंपल टॉप ऑफ द पेज ही अप्लाई करना चाहूँगा. तो ये प्री डिजाइन है कुछ आप देख सकते हैं और जो सा डिजाइन आपको चाहिए आप उसके ऊपर रखें और आप उस पर क्लिक कर दें तो आपका पेज नंबर एक्टिवेट हो जाएगा. अच्छा एक और चीज़ अगर आप सेक्शंस वाइज काम कर रहे हैं तो पेज नंबर हमेशा सेक्शन वाइज ही अप्लाई हो. ठीक है इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 to 5 तक पेज में 1 सेक्शन में 5 पेजेस आ जाए और आप 6 पेज से चाहते हैं कि 6 पेज जो है वो फिर दोबारा से 1 ले लें पेज नंबर तो आप ये सारे काम कर सकते हैं. कैसे मैं आपको भी बता देती हूँ. तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स आ गए और पेज नंबर 1, 2, 3, 4 और पेन जितने ही पेजेस उसने आपको शो करा दिया पेज नंबर टॉप ऑफ दी पेज होता है. इसके साथ सर डबल क्लिक करेंगे ऑब्वियसली जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर था अगर आपने सेंटर पर क्लिक किया है तो हेडर जिस तरह से डिजेबल हो गया था इसी तरीके से मेरे पास भी पेज नंबर भी डिजेबल हो चुका है. अच्छा अगर मैं चाहती हूँ कि पेज नंबर ये उनसे स्टार्ट ना इन केस आई वांट टू ऐड सम फॉर्मेट्स पेज नंबर तो मैं यहां आऊंगी फॉर्मेट पेज नंबर्स पर. मैंने यहां क्लिक किया क्लिक करने के बाद कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन नहीं मुझे जैसे पीछे से नंबर चलते हुए आ रहे थे मुझे वैसे नहीं चाहिए. आई वांट टू स्टार्ट इट इन द न्यू सेक्शन तो मैं यहां से वो नंबर राइट डाउन करूंगी जहां से मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करना है. यहां पर अगर आकर अगर मैं यहां पर 6 लिख देती हूं तो मेरा पेज नंबर ऑटोमेटिकली 6 से जनरेट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी 6, 7, 8 और so on. ठीक है. तो डिपेंड कि आप अगर पेजेस नंबर को एडिट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं. कोई इशू नहीं है. पेज मार्जिन के स्टाइल्स भी आप देख लें यहाँ पर कुछ बने बनाए हैं. बॉटम पेज के भी स्टाइल्स कुछ यहाँ पर हैं बिल्कुल ऑब्वियसली आप देख सकते हैं. अगर आपको पेज नंबर नहीं चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द रिमूव पेज नंबर और जहाँ जहाँ पेज नंबर था वो सब जगह से रिमूव हो गया. अगर सेक्शंस हैं आपके पास तो मैं एक सेक्शन से रिमूव होगा then we go for second section. फिर second section से remove होगा कि sections pages को break कर देते हैं. ठीक है तो आगे बढ़ते हैं. text box simple है. आप कोई भी text को write down करना चाहते हैं तो text box में आप उस text को focus out कराना चाहे उसके content लिखना चाहे कोई भी ऐसी memorize बात जो है वो write down करना चाहे कोई quotations write down करना चाहे तो you can use text box. अगर मैं यहाँ पर अगर कर्सर रैंपिंग पोजीशन टैक्स डायरेक्शन अलाइनमेंट्स
what are the styles, ये सब कुछ वहाँ पर बताया गया है. तो मेरी हर वीडियो प्रीवियस वीडियो से लिंक के अंदर है. पॉसिबल ये कि आप जब भी स्टार्ट करें मेरा कोई लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से नहीं पता चलता. क्विक पार्ट्स इंसर्ट परफॉर्मिंग टैक्स ऑटो टैक्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एंड फील एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. ऑटो टैक्स का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट आपने किसी एक रिक्वायर या एक कह सकते हैं एक कंपनी के बारे में आपने ये डॉक्यूमेंट को राइट डाउन किया, ठीक है? आपने जब इस डॉक्यूमेंट को राइट डाउन किया है, अगर आप उस कंपनी का नाम ऐड कर रहे हैं तो बेटर क्या है कि आप उस नाम को क्विक पार्ट्स में रख के होल्ड करा दें. यहाँ आ गया मेरे पास कंपनी नेम, ठीक है? मैंने यहाँ जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टॉप पर आगे आ जाती हूँ और मैं उसको मुझे पता है कि बार बार यूज करूँ तो बेटर क्या है मैंने चीज को यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग दी थी इसके अंदर और मैं लेटर इनको लिख रही हूँ. तो जहां जहाँ फॉर एग्जाम्पल नंबर में फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर की बात करी है मैंने यहाँ पर आके सिंपल कर्सर रखा अपना देन क्लिक ऑन इंसर्ट क्विक पार्ट्स अगेन एंड डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक ऑन द कंपनी. तो सेम वही कंपनी का नेम आपके पास यहाँ पर मौजूद होता है. डॉक्यूमेंट के अंदर फिर आप दोबारा क्लिक करें. इससे आसानी है कि बार बार आपको कंपनी का नेम कंपनी का एड्रेस ऑथर नेम उनका फिक्स फैक्स नंबर उनका ईमेल एड्रेस बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटो टैक्स खुद ब खुद उसको जनरेट करता रहेगा. नाउ यू कैन सी अगर आप कोई भी अप्लाई कर रहे हैं वर्ड ड्रॉप कैप के जरिए तो आप उस ड्रॉप को फॉर्मेटिंग में टॉप पे लेकर आ सकते हैं. कहीं से भी मैं उसको उठा सकती हूँ कुछ डिपेंड होती है बट शुड बी नीड इन द बिगिनिंग, ठीक है? याद रखिएगा मैंने यहाँ से पी किया था. क्यों? रीजन इज दैट कि वो बिगिनिंग में नहीं है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ. बट जैसे पैराग्राफ में बिगिनिंग वर्ड था ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ. तो मैंने आपको दिखाया था अगर आप बॉटम से या मिडल से कोई भी नंबर लेटर सेलेक्ट करके जो स्टार्ट किए कन्वर्ट इनटू अ ड्रॉप कैप वो नेक्स्ट लाइन से अगर आप करते तो फिर वो बन जाता है. वैसे वो नहीं बनेगा. सबसे पहली चीज उसके बाद है सिग्नेचर लाइंस. सो ओके नाउ मूव ऑन सिग्नेचर लाइंस पर आते हैं. Director, manager, or director, vice director, 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 director
पर ये टाइम पर आज हम फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के यहाँ पे बने हुए हैं, टाइम आप ये करते हैं वही डेट एंड टाइम यहाँ पर मेंशन हो जाए। ऑब्जेक्ट ये बहुत माइनर चीज़ है, दैट्स व्हाई मैं तो इतनी वाइंड अप करा रही हूँ, इट्स नॉट अ मेजर एरिया, कहीं कहीं भी जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की, अदरवाइज दे आर देन नॉट यूजिंग मोस्टली इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट कंपल्सरी क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, तो चीज़ें हैं पढ़ने की लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिफाइन। अच्छा, ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स फ्रॉम फाइल, ऑब्जेक्ट का मतलब यूँ देखिए अपने डॉक्यूमेंट में रहेगा किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अटैच करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया यहाँ पर, और जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स आ चुके हैं जिनका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप करना चाहूँ। आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन अ बिटमैप इमेजेस, मैंने ओके किया, मेरे पास एक वर्ड गैलरी ओपन हो गया है पैन के, बिटमैप इज फाइल फॉर्मेट ऑफ पैन, यहाँ पर आके मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक ड्रॉ किया एंड देन आई पुट सम कलर इन इट, लाइक जैसे ही मैं इसको खत्म कर दूंगी ऑब्जेक्ट मेरे पास अपनी वर्किंग एरिया में डिजाइन होकर आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से इफ यू वांट टू सेलेक्ट द टैग्स फ्रॉम एनी फाइल, बिल्कुल आप कोई भी फाइल के टैग्स लेके यहाँ पर एडजस्ट कराना चाहें आप यहाँ पर और सिंबल्स के ऊपर बात करते हैं। सिंबल्स बहुत ही ईजीएस्ट वे है अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसा साइन है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं कंपनी नेम के अंदर, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स हम यूटिलाइज करा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सी वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी सिंबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन इंसर्ट, आप इजीली उसको बैक पे आप ऐड करा सकते हैं। नाउ यू कैन सी इट इजीली। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। सो आगे बढ़ते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए डिजाइन टैब को यूटिलाइज किया जाता है, रीजन इज दैट कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट राइट डाउन करने कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग आप एक साथ करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, इट्स नॉट कनेक्टेड विद अ सिंगल पेज, ये पूरे होल डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड होगा आपके। यहाँ पर आकर आई एम गोइंग टू अप्लाई सम थीम, लेकिन थीम्स कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती जब तक आप इसके पेज कलर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक एक पेज कलर नहीं मिलेगा उसको इट्स कांट बी एप्लीकेबल, सो रिमेंबर इट। ठीक है जी, नाउ इट्स मूवेबल इजीली, आपकी थीम को प्लस आपके टैग्स को प्लस आपकी फॉर्मेटिंग को ऑटोमेटिकली ये रीस्टाइलिंग कर रहा है जिस तरह से आप करना चाहते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है हमारे पास टैग्स के, विद हेडिंग अगर आपने कई बार हेडिंग दी है तो वो टाइटल अप्लाई कर देगा, उसके अलावा कलर्स कॉम्बिनेशन हैं डिफरेंट टाइप्स, इफ यू अप्लाइंग ऑन अ फॉन्ट, बैकग्राउंड स्पेसिंग इफेक्ट, हम ये सभी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं पहले भी। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द पेज कलर,
like if you want to multiply, can I make a confidential of your document, previous lecture, last time I have made watermark here. Confidential का मतलब ये होता है कि एक document आपने design किया है, तो आप अगर उसके ऊपर watermark देते हैं, तो किसी के लिए उसको copy करना थोड़ा मुश्किल होता है। तब तक उसके पास उसकी soft copy नहीं है। उसके पास soft copy है तो easily added out है। लेकिन एक अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आपने आप उस किसी और के पास उसकी hard copy है, उस can't be added out। So click on custom। Watermark पे आप सबसे पहले watermark नहीं चाहिए। तो आप no watermark पे रखें। आपके कोई institute का logo वगैरह है, आपके कोई company का watermark है behind पे, तो आप उसके जरिए दे सकते हैं। Like from my sister. So now if I have a watermark, yes I have. मैंने picture add की है क्योंकि PNG file. लेकिन आप watermark कोशिश कीजिएगा कि वो JPEG file में ना हो, उसकी file format PNG ही हो. PNG background show नहीं करती picture. ठीक है. Then sizes आपके ऊपर depend करते हैं. अगर मैंने एक पेज पे दिया है, देखिए मेरे को लाइट सा आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम करके आपको दिखा दूँ, बैंक पे मेरे को लाइट सा मार्क आ रहा है, ये कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, ठीक है, आपने एक पे दिया है तो बाकी सब पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तरीके से, साइज़ बढ़ाना ही आपके ऊपर है, आप उनकी पर ले जाए ऑटोमेटिकली इसको ना इंक्रीज बैंक पर देखें आप टेक्स्ट वाटरमार्क पर इफ यू वांट सेलेक्ट एनी पिक्चर आप यहां पर टेक्स्ट वाटरमार्क भी दे सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी वाटरमार्क मैंने टेक्स्ट राइट डाउन कर दिया यहां पर अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी टेक्स्ट स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकती हूँ बिल्कुल इजीली सो मेरी की स्टूडेंट है उन्होंने मुझे एक फॉन्ट स्टाइल भेजा था तो मुझे बहुत रियली पसंद आया रीजन इज दैट कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं और लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहे कभी भी रुके ना इस चीज़ की कोशिश किया करें कि लर्निंग हमेशा जारी रहे आप सब ठीक है जी सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज तो मुझे ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट से सीखने को मिलती है देखने को मिलती है और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मुझे उनसे वो चीज़ें ये भी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था सारा और उन्होंने ये चीज़ को मुझे टेक्स्ट स्टाइलिंग फॉर्मेट की तरह लाइक की दोबारी मैच की मेरे स्टूडेंट जो है वो इस हद तक आगे जा चुके हैं अपने पीयर्स के अंदर वो कभी कभी मुझे भी बता देते हैं कि मेरी ये चीज़ अच्छी है इट्स वेरी गुड थिंग अच्छा जी यहाँ पर आके मैंने एक फॉन्ट स्टाइल ऐड करा दिया बैक पे और साइजेस डिपेंड ऑन यू कि आप उसको जैसा भी लेना चाहें अच्छा पहले पेज पे दिया है बाकी पे ऑटोमेटिकली आ रहा है इसकी पोजीशंस को भी सेट करा देते हैं हम कस्टम वाटरमार्क में जाके इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ हॉरिजॉन्टल टैग अच्छा कलर मैं यहाँ दे रही हूँ पर याद रखिएगा कि कलर जब अप्लाई होते हैं तब आपका आपके पास प्रिंटर भी कलरफुल होगा तो ये वाटरमार्क आपको कलर में दिखेगा अदरवाइज ये ब्लैक ही शो करेगा हॉरिजॉन्टल इस स्टाइल के अंदर है ठीक है और डायगोनल इस स्टाइल के अंदर नाउ आई होप अंडरस्टैंड वाटरमार्क खाली पेज पे ज्यादा क्लियरली आपको अंडरस्टैंडेबल हो रहा होगा लाइक दिस ठीक है जी नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट में देन क्लिक ऑन लेफ्ट क्लिक रिमूव वाटरमार्क ठीक है जी पेज कलर्स वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड कलर्स मूव ऑन फिल इफेक्ट्स टेक्सचर्स है हमारे पास टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं टेक्सचर्स अप्लाई करते हैं देन पैटर्न्स है यूजिंग अ टू कलर्स देखिए दे आर नॉट अ प्रोफेशनल मैं नहीं कहूँगी कि आप इनको यूटिलाइज करें कि इनका जो क्राइटेरिया इज नॉट अ प्रोफेशनल वे लेकिन पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के नॉर्मली चीज़ों का हमें पता नहीं होता और कुछ जगह पर चीज़ों को अहमियत भी नहीं दी जाती कि नहीं आप छोड़े क्या करेंगे सीख के वगैरह वगैरह की मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको मैं एक चीज़ को बताऊँ जो आप इस वर्ड के अंदर मौजूद है और ये मेरी जो लेक्चर्स हैं आई होप अगर आप सर्च भी करें उसे तो डेप्थ में आपको कोई नहीं डिफाइन कर रहा मेरी कोशिश ये कि आपको ए टू जेड तक चीज़ों का पता चले कि उस चीज़ किस तरह से रियलाइज हो रही है और उस चीज़ का देने का मकसद क्या है सो नाउ
from my desktop. अगर आप कोई वर्कशीट बना रहे हैं स्टूडेंट्स की,